हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता चौहान। आज मैं बिस्कुट की रेसिपी बनाऊंगी जो आपके साथ शेयर करूंगी। आटे वाले बिस्कुट बना रही हूं। इसके लिए हमें जो सामान चाहिए होगा, ये मैंने एक बॉल आटा लिया है, ये बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग पाउडर है, ये अजवाइन लिया है क्योंकि अजवाइन वाले बिस्कुट बनाएंगे, ये 2 चम्मच सूजी ली है, ये पिसी हुई चीनी ली है और ये घी है। तो सबसे पहले हम जो है इस घी को मेल्ट करेंगे। ऐसे करके इसको मेल्ट करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए, अब इसका ये जब क्रीमी टेक्सचर हो जाए तो ये मेल्ट हो गया है, इसमें क्रीमी टेक्सचर आ गया है। अब हम इसमें शुगर डालेंगे, पीसी हुई शुगर डाल के फिर मेल्ट करेंगे। देखिए छोटी पड़ेगी इसलिए हम इसमें इसको पलट लेंगे क्योंकि बॉल छोटा पड़ेगा। अब हम इसको हाथ से ये आटा डालेंगे इसमें और हाथ से गूंदेंगे। हाथ से मिक्स करेंगे अब इसको। और इसमें ये मैंने 2 चम्मच सूजी ली थी, ये भी मिक्स कर दूंगी। और ये बेकिंग पाउडर है, ये भी, ये बेकिंग सोडा है, ये भी डाल दूंगी। अब हम सबको मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हम ऐसे बांध के देखेंगे। अब ये देखो बंद नहीं रहा सही से अच्छी तरह से, इसलिए हम इसमें थोड़ा दूध डालेंगे। दूध डाल के फिर इसको मिक्स करेंगे। और ये मैं थोड़ी सी इसमें अजवाइन डालूंगी। क्योंकि अजवाइन वाले बिस्कुट बना रही हूँ। थोड़ा दूध और डालूंगी क्योंकि इसको ज्यादा गीला नहीं बनाना है, थोड़ा टाइट रखना है। जब ये हमारा डो ऐसे जुड़ जाएगा तो समझो ये ठीक से मिक्स हो गया है। ये देखिए, देखिए हमारी डो अब जो है तैयार हो गई है बिस्कुट के लिए। अब हम ये पतीला लेंगे
और इसको गर्म होने के लिए रखेंगे। ये मैंने नमक ले रखा है जो पहले भी मैंने केक में यूज किया था, यही नमक डालूंगी मैं इसमें। इसको गर्म होने के लिए रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स इतने ये गर्म हो रहे हैं, इतने हम अपने बिस्कुट बना लेते हैं। डो लूंगी मैं इसको ऐसे से करेंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब इसको लेंगे हम ऐसे। क्योंकि मैं लंबे में बनाऊंगी बिस्कुट, ज्यादा मोटे नहीं रखने हैं ये इसका बेस। ये देखिए अब मैं इसको कांटे से ऐसे कर दूंगी। थोड़ा सा इसमें अजवाइन लगा दूंगी क्योंकि हमें अजवाइन वाले बिस्कुट बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा एक बिस्कुट तैयार हो गया। ऐसे बना बना के मैं सब रख लूंगी। अब दूसरा बनाऊंगी। क्योंकि मैं हाथ से ही सेफ दे रही हूँ, हाथ से सेफ दे रही हूँ मैं। इसको भी हम ऐसे ही कांटे से कर देंगे और इस पे भी थोड़ी सी हम अजवाइन लगा देंगे। ये देखिए हमारा दूसरा बिस्कुट तैयार हो गया। ऐसे करके मैं सारे बिस्कुट बना लेती हूँ। इतने ये गर्म हो रहा है। ये देखिए हमने सारे बिस्कुट बना लिए। आप इन बिस्कुटों का छोटा बड़ा आकार जैसे मर्जी बना सकते हैं। छोटे बनाने छोटे बनाओ, बड़े बनाने बड़े बनाने। अब ये गर्म हो गया, हम इसके अंदर इसको रख देंगे बेक होने के लिए। स्टैंड रखेंगे इसके अंदर और ये प्लेट हम इसमें रख देंगे। अब इसको 20-25 मिनट के लिए हम बनने देंगे। अभी हम एक बार देखते हैं बिस्कुटों को। अभी थोड़ी कसर है। ये देखिए हमने सारे बिस्किट बना लिए हैं और अब हम इसको देखते हैं बिस्कुटों का क्या हाल है। ये देखिए बिस्कुट कितने अच्छी तरह से सेक हुए हैं, कितने खस्ता और कुरकुरारे बने हैं। अब हम ये दूसरे भी ऐसे ही सारे बना लेंगे। अब हम बिस्किट चेक करते हैं अपने। ये देखिए बिस्किट हमारे बन गए हैं और अब हम इसको निकालेंगे और दूसरे बिस्कुट बनाएंगे।
ये देखिए बिस्किट ब्राउन हो गए हैं और बहुत ही खस्ता कुरकुरारे बने हैं। और जब इसमें बिस्कुट रखते हैं तो बटर पेपर भी बिछा सकते हैं, लेकिन मैंने बटर पेपर नहीं बिछाया है, मैंने ऐसे ही ऑयल लगा के रख दिए हैं। अब और बना, ये देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे बिस्कुट तैयार हो गए हैं। बिस्कुट बहुत ही कुरकुरे और स्वादिष्ट तैयार हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए कितने करारे बिस्कुट तैयार हुए हैं। शाम का नाश्ता तैयार है चाय के साथ बिस्किट का, अजवाइन वाले बिस्कुट। आइए आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए। और देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। ओके बाय, मिलते हैं आगे नई वीडियो के साथ।